வரை மெயில தான் போறாங்க மெயில தான் வராங்க இது வரை யாரும் வந்து உயிரோட இருக்க போறவங்கள யாரும் பார்க்கல சார் நான் என் முன்னணி புள்ளி எல்லாம் இவ்வளவு தான் பார்த்து கிடக்குறேன் யாரும் வந்து கேட்கல சார் है जिसने तबाही मचाई है गाजा जो तूफान आया था 10 दिन पहले हमारे साथ यहाँ पे वो बाशिंदे हैं जो यहाँ पे रहते थे और अपने घर के उचड़ने के गम पे इतने ज़्यादा ये लोग टूट चुके हैं एक तरह से अपनी ज़मीन को खोना अपने पेड़ पौधों को खोना अपनी आँखों के सामने शायद इससे ज़्यादा बुरा जो दृश्य है वो जीवन में और भगवान किसी को ना दिखाए हमारे साथ ये भाई हैं जो इस घर पर रहते हैं और अभी तक यहाँ पर न सरकारी अधिकारी यहाँ आए हैं ना ही यहाँ का जो लोकल एमएलए है वो यहाँ आया है जो यहाँ की दशा बाहर तक नहीं दिख पा रही है शायद मीडिया कर्मी भी जो यहाँ पे आए वो सिर्फ सड़कों सड़कों तक आए और वहीं से निकल गए नहीं ये पड़े वांगे सर उनका पैर उदय कुमार सर उदय कुमार इन द पुयल वंदकपुरम உங்களை யாரும் பார்க்க வந்தா யாருமே ஒரு ஆள் கூட வந்து எட்டி பார்க்கல சார் இதுவரை யார் வந்து உயிரோடு இருக்க முடியல கூட யார் வந்து கேட்கல சார் இதுவரை மெயில தான் போறாங்க மெயில தான் வராங்க இதுவரை யார் வந்து உயிரோடு இருக்க முடியல கூட யாரும் பார்க்கல சார் நான் என் முன்னணி பிள்ளை எல்லாம் இவ்வளவு தான் பார்த்து கிடக்குறேன் யாரும் வந்து கேட்கல சார் कि ये जो लोग हैं हमारी आंखों में भी आंसू हैं जब हम देख रहे हैं इस तरह के दृश्य यकीनन इतना ज़्यादा ये दुखदाई दृश्य है ये जब जिस तरह से लोग रो रहे हैं कराह रहे हैं ये कह के कि हम जिंदा हैं या फिर मर गए शायद ये भी यहाँ की सरकार भूल चुकी है जो यहाँ की स्टेट की सरकार है जिसको एडपाड़ी पलनी स्वामी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है इस देश को मोदी जी चला रहे हैं 3000 करोड़ रुपए खर्च करके एक स्टैचू बना दिया जाता है बुलेट ट्रेन चलाने की आशाएं दिखाई जाती हैं देश को यही वो देश के लोग हैं जो एक छोटे से घर के लिए तरस रहे हैं अपने खेत खलियान अपनी आँखों के सामने उजड़ता हुआ देख चुके हैं केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ही हाथों में हाथ धरकर बैठी हुई है यहाँ पर कोई नहीं आया है अस्पताल यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर पानी पानी की तरस रहे हैं यहाँ पर बिजली पानी सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है यहाँ पे पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं यहाँ पर ये लोग सोएं कहाँ अगर आपको मैं और दिखाऊँ अंदर पूरा का पूरा घर जो है वो तहस नहस हो चुका है ये शायद इनका कुछ किचन हुआ करता था वो तमाम ये जो चीज़ें हैं ये एकदम हवा के साथ उड़ गई हैं मैं इस घर को इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसा घर नहीं है इस पूरे गांव में कम से कम 50 ऐसे घर हैं जिनकी दशा या तो ऐसी है या फिर इससे भी गई गुजरी है कई घर ऐसे हैं जहाँ पर शायद हम अंदर घुस भी ना सकें हम एक और उस तरफ दिखाएँ ये एक कमरा था जो एकदम उड़ चुका है इनकी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट जो है वो ये है कि सरकार इनके पास आए सरकार इनकी मदद करे और सरकार इनको एक छोटा सा कच्चा ही सही एक छोटा सा घर बना के दे दे दोबारा देखिए यहाँ पे टीवी है ठीक है ये लोग ये सारा वो सामान है जो यहाँ था और इस तूफ़ान के बाद ये तमाम वो चीज़ें जो हैं उजड़ चुकी हैं और यहाँ पर सरकारी महकमा तो आ ही नहीं रहा है इसके साथ से अगर आप देखें एनजीओस भी सिर्फ उन्हीं चुनिंदा नामों तक जा रहे हैं जिनका एक बड़ा नाम है रुतबा है यानी मन्नारगुड़ी जो हर कोई जानता है शशिकुला का खेमा है वो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं तिरुवारूर जो डीएम के करुणानिधि का गांव है वहाँ पे लोग जा रहे हैं अरंदांगी जो यहाँ का एक मेन सिटी माना जाता है जो यहाँ से कुछ 7-8 किलोमीटर दूर है वहाँ पे लोग जा रहे हैं पुदुक्कोट्टई डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 100 ऐसे गाँव हैं लेकिन लोग पुदुक्कोट्टई तक आके वहीं से निकल जाते हैं ये वो गाँव है जहाँ पर ज़रूरत है ये वो गाँव है जहाँ पर नीडी लोग हैं ये वो गाँव है जहाँ पर लोगों को हकीकत में ज़रूरत है इनको पैसा नहीं चाहिए इनको धन दौलत नहीं चाहिए इनको 3 वक्त का खाना एक पक्का मकान और इनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो आराम से बसर हो जाए बस इनको वही चाहिए इनके अलावा कुछ नहीं चाहिए बिजली पानी समय से आ जाए
ये हमारी सरकार से गुजारिश है, बने रहें अगले वो उस पड़ाव पर जहां हम जा रहे हैं। वो खुदा से, भगवान से हमारी यही दरख्वास्त है, मिन्नत है कि इससे गया गुजरा मंजर जो है हमें और ना देखना पड़े। हम अपने दिलो दिमाग में पत्थर रखकर इस पूरे इलाके पे घूम रहे हैं कि हर एक मोड़, हर एक गली एक नया दृश्य दिखा रही है जो पहले दृश्य से और ज़्यादा भयानक है और ज़्यादा भयावर है। नमस्कार।